हले उठो। हले चकमा अचेक हलो बजा मास्टर डर पेंट यार उठो। हलो हलो अडीजे जब धमा कईले अचल छोरी पम कईले देखी चरा सना कईले डीजे जब धमा कईले अचल छोरी पम कईले देखी चरा सना कईले गरीब मन नहीं मान ना जला गरीब आई मौत नहीं मान ना जला अजपुरी बजावा बल समा कईले डीजे जब धमा कईले छोरा सब पम कईले डीजे जब धमा कईले नचल छरी पम कईले देखी छोरा समा कईले बेहुदा कहीं का ये ना मारा ना ही मारियो बता रे हरा बच्चा का मैं तो मोर भी कब से चिल्ला रहा हूँ और तू मेरे हरा बच्चा तो पीछे से मन मारे गाते आगे कहीं आगे हाँ लगला फुटलो क्या हो गया लगला भालो क्या भांग गया क्या हो गया अब माय जखनी हमरा मारै छो अच्छा हमरा को बढ़िया लागल तुझे अच्छा लगता है हां मीटर तब चालू कर दे ए सुनबो तमन अच्छा जखनी मारै छी हां हमरा तखनी हमर बढ़िया लागै छै अच्छा उसके बाद बादल लारे करम जो तो कहि याना जा घोटे भी टेबी नहीं मारो बता रे बेहुदा दरबार में मैं कब से चिल्ला रहा हूँ जी जी महाराज बता इस समय तुम का फोर क्या कर रहे थे महाराज हाँ मजा ले रही है हाँ मजा ले रही है मजा ले रहा था लेकिन क्या चीज का मजा ले रहा था महाराज हाँ अभी अभी अपने महल में बैठ के अच्छा अच्छा उसके बाद लेकिन क्या चीज का मजा ले रहा था जी जी महाराज संगीत का बेहुदा कहीं का यही बात तुम्हें पहले बोलना चाहिए कि महाराज मैं संगीत का मजा ले रहा था जवानी बुलाता हूँ देखा लो मंत्री द्रेड़ सिंह बता जब से दरबार में आया हूँ जी महाराज आज अपना दरबार कितना सुंदर है जी जी महाराज ये दरबार किसने सजाया है हमारा दरबार वहाँ में सजेला जी हाँ सब टोली बोली मिलेगा ये दरबार तुम सजाए हो जी महामंत्री बताओ इस दरबार में कोई अभ्यागत आएंगे आएंगे उसको बैठने के लिए क्या दिगर ओ कुर्सी बेहुदा कुर्सी नहीं तो क्या चौकी देगा बैठने के लिए अभी अभी हम कुर्सी लगा रहे हैं चल चल से कुर्सी लगाओ मास्टर साहब एक दो तीन सारे Thank you.
रे, तब तो रही हमसे तक लगता है घोचू को दिमाग नहीं है। वाह वाह वाह, तो बुरभाई दिमाग से चले चले, बेहुदा तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है। परम रही चराहू लो सुन, जी महाराज, तुमने हरम ज्यादा कुर्सी लेकर उतना रफ्तार से आया, उतना रफ्तार से आया, हकी एक्सीडेंट क्यों कर दिया यार? बुढ़वा फुज कर कर है, बुढ़वा फुज फुज कर कर है। महाराज अभी अभी आपका याद है, जल्दबाजी में दरबार में कुर्सी लगा, कुर्सी लगा, अभी हम एरोप्लेन से गए, अच्छा हेलीकॉप्टर से बेटा, हेलीकॉप्टर छोड़ा देंगे समझा, बड़ा भागवास बची के लिए, अच्छा भाग मनाइए गई, अभी अभी हम ब्रेक दबा लिए, ब्रेक दबा लिया, अगर इस समय ब्रेक नहीं दबाते, नहीं दबाते जवानी में आपका मर्डर हो जाता। हाँ, मेरा मर्डर हो जाता, आइए इन सब बात को छोड़िए, कुर्सी के ऊपर बैठिए, बताइए आप लोग बैठो ना, ये बेहुदा अपने सर पे कुर्सी रखा, मुझे बैठने के लिए कह रहा है, मूड बने जाओ, बेहुदा कहीं कहीं जमुनी तुम्हारे सर पर बैठेंगे रे, कुर्सी को कहाँ लगाएंगे, नीचे दरबार में जानते हैं, हर बात को आप समझते हैं, समझते लेकिन कुर्सी के बारे में कुछ नहीं समझते हैं, खाली मुठिया दे हैं। इस राज के बारे में मुझे मालूम है, इस कुर्सी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। बेटा बता तुम्हें क्या मालूम है कुर्सी के बारे में? खाली हीटों में ही तो है महाराज, इसी कुर्सी के वास्ते, इसी कुर्सी के वास्ते देखिए बिहार से बड़े बड़े नेता हार गए, बिल्कुल हार गया, 0 पॉइंट पर आउट हो गया। हाँ, इसी कुर्सी के वास्ते बिहार से बड़े बड़े नेता हार गया, अच्छा इसी कुर्सी के वास्ते इस पंचायत में कितना गोली चल गया, अब रे ठोरी भगवान की, अरे अब रे ठोरी हम मार लाए रही हो रे, बेहुदा कहीं का ओ ना लागला, हां गोली रे चलेगी ना, भाव बदबे रही हो, भाव उधर बताओ, मार के यो ठोरी भंगलो हो जाए के नहीं, अरे महाराज अभी अभी हम कुर्सी लगा, चल चल से कुर्सी लगाओ, महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो, ए खुट्टा पर बैठी पार हो, अरे कौन बैठ कर के पार होगा, बड़ा कलिया तब अपना बेहुदा कहीं का, पूछ कर तो बताओ मेरे दरबार में तुम कितने दिन से काम कर रहे हो? जी महाराज, एक बचपन से, एक बचपन से बताओ, एक बचपन से काम कर रहे, इतना बड़ा हो गया, अभी तक तुम्हें कुर्सी लगाने का तमीज नहीं हुआ है? अब तोरे कमीज भी नहीं चाहिए, हां बुरवा कुछ आवाज के ना यार, मैं कमीज का बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे दीवार का बात कर रहा हूं, आग में जर्किन लग ले की, कुर्सी लगाने का तमीज हुआ है रे, महाराज गलता हो गया, गलता है, गलता का बच्चे, जाइए बैठिए बैठिए, बेहुदा कहीं का, बैठिए बैठिए, हरम जाता गधे कोला कुत्ता कहीं का, यहाँ सबका वो बता रहे, बेहुदा मैं बताइयो, यहाँ सबका मैं तुम्हें एक दरबार में कुर्सी लगाने के लिए कहा, लगा दिया कुर्सी, लगा दिया लेकिन कुर्सी पे निगाह नहीं डाले, मैं तो यही लगा, कुर्सी कितना गंदी है रे, अभी हम साफ कर दे, जल्द से साफ करो, बता रहे हरम ज्यादा, या ना ना कर, या ना हमरा ना मारो, क्यों क्यों हमरा मारो, पेटी सिटी मारो, पेटी सिटी नहीं, केपीसीडी होता है, केपीसीडी तब वाना है, वो क्या पीआईसीटी मारियो, महामंत्री या ना ना मारियो, हमारा क्यों अपना जाब हम मारे मन हुआ ना, अच्छा अपना हमरा नीचे ऊपर मारियो,
नीचा ऊपर अच्छा नीचा ऊपर मारियो ठीक हम जना नहीं करूंगा बीच में नहीं मारो बीच में नहीं मारेंगे ना लेकिन क्यों बीच में ला रहे थे रोम जाता बाबू फेरू ला रहे और लहरा देंगे और नहीं लहरा रही हो बेहुदा की हां नहीं लहरा रही है बताओ मैं तुम्हें कुर्सी साफ करने के लिए कहा जी 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 कुर्सी पर बैठ क्यों गए कुर्सी को साफ कर रहे थे अभी अभी लेकिन क्या चीज से गोल बरस बाजार में बोला ये किस साल है किस में नया मॉडल चल रही है फायर पचपन में तुम्हारे पास है क्या बरस को फोड़ डालूंगा नहीं तो हाथ से साफ करो क्या हुआ हमरा मारता मारता मचाए दबो की हो मतलब नहीं नहीं कैसे या नहीं मारो मचाएगा या नहीं मारो ला रहा है तुम अभी क्या बोला मचाएगा तुम मगा है रे नहीं नहीं या नहीं मारो ला रहा है ओ ये नहीं मारो मंत्री त्रिलोक सिंह सरार कर लोग सब ताकते होते नहीं मारे अरे बार बार तू मेरे साथ मजाक करते हो मजाक कर मैं बोने लगो ने चाप खींच लूंगा पूर्वाग हीट दे बदन मंत्री त्रिलोक सिंह बताओ मेरा नाम भाग विधाता ईश्वर है जी महाराज इस संसार में इस संसार में मुझे तमाम प्रजागण भाग विधाता ईश्वर मानते हैं महाराज मंत्री त्रिलोक सिंह 14 कोश की छागर में तुम घूमते हो जी महाराज बताओ प्रजागर मेरा जय जयकार करता है या नहीं महाराज जब भी अपने राजा चंपापुर शहर में घूमने के लिए जाते हैं हाँ जी जी महाराज आपके नामों का जय जयकार हो रहा है क्यों नहीं जी जी महाराज आपके नामों से गीदर और बकरी एक तालाब में पानी पी रहा है मैं भी यही चाहता हूँ हेलो जी सारो हम दी अंदर ला रखे यो बैगलो सब यो बैगलो की कर रहे हैं हेलो जी महाराज सारो मो देखे छी हमरा मुंडी खथन है महाराज चंपापुर सर के सारे प्रजागण आपको भाग बजाता मानते हैं क्यों नहीं लेकिन हम आपको नहीं मानते हैं शहर के तमाम प्रजागण मुझे भाग विधाता ईश्वर मानते हैं और तुमने बेहुदा मेरा नमक खा करके कहते हो कि मैं नहीं मानूंगा ऐसा यो यो कभी का हाँ सौर ने महाराज चंपापुर शहर के तमाम प्रजागण आपको भाग बताता मानते हैं ये बात अपने कानों से सुने हैं हाँ। लेकिन महाराज आपके महल में जो चंपा और चमेली है उनके मुखार बिंद से अभी एक दो दिन नहीं सुने मंत्री त्रिलोक सिंह बाबू चंपापुर शहर के तमाम प्रजागण मुझे भाग विधाता ईश्वर मानते हैं जी मानते हैं इस महल में मुझे दो पुत्री चंपा और चमेली है जी जी महाराज क्या वो दोनों मुझे भाग विधाता ईश्वर नहीं मानेंगे जी जी महाराज क्यों ना तो मंत्री त्रिलोक सिंह पूछे कहीं लगे जाओ है पूछे पैसा लगे जाओ तो मैं उनके मुखारविंदो से सुनने के लिए चाहते हूँ चंपा चमेली के मुखारविंदो से मंत्री त्रिलोक सिंह चाहे शीघ्र जी महाराज सबसे पहले छोटी बेटी चमेली को बुलाया जाए इस राज दरबार में महाराज अभी अभी आप चल करके राज दरबार में इंतजार कीजिए और यह भी समय मिलेंगे इस माल की छोटी बहन चमेली से और अपना चाहिए करो करियो जल्द से बुला करके लाओ चमेली को जी 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 आ राजा
लाइए